नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं शोरिक मोटर यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे सामने पूरा एनएस का लाइनअप खड़ा है। इधर 2024 एनएस 125 है, मेरे सामने है 2024 एनएस 160 और मेरे ठीक पीछे है 2024 एनएस 200। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पूरा एनएस लाइनअप खड़ा है और इन तीनों बाइक का आज मैं एक डिटेल कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इन तीनों बाइक के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलती है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, प्राइस में कितना अंतर है, आपको कौन सी बाइक इन तीनों बाइक के अंदर लेनी चाहिए, तो ए टू जेड डिटेल्स जो है इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। और आपको अगर बजाज का किसी भी प्रोडक्ट का टेस्ट राइड चाहिए तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का डिटेल कंपेरिजन फटाफट शुरू करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों बाइक की की से। तो मेरे हाथ पे बेसिकली टोटल दो ही की है, क्योंकि एनएस 125 और जो एनएस 160 है, इन दोनों बाइक का की एकदम सेम है। प्लेन बेसिक की आपको एनएस 125 और एनएस 160 में देखने को मिलती है, बट जो एनएस 200 की है वो आपको यहाँ पर वेब की देखने को मिलती है। ओके तो फिलहाल वेरिएंट ऑप्शन की अगर बात करें तो एनएस का जो भी लाइन आप देख पा रहे हो ये ऑल सिंगल वेरिएंट के साथ ही आता है। एनएस 125 में भी अलग से आपको कोई भी वेरिएंट नहीं देखने को मिलती है, 160 और 200 में भी सेम चीज़ है। कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो एनएस 125 में भी आपको चार कलर देखने को मिलती है, एनएस 160 और एनएस 200 में भी आपको चार ही कलर देखने को मिलती है, बट एनएस 125 में आपको डिफरेंट कलर मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है इसकी मैट रेड कलर, इसके साथ साथ एक ऑरेंज कलर आती है, ब्लू कलर आती है और आपका ग्रे कलर आती है एनएस 125 में। एनएस 160 और एनएस 200 में आपको सिमिलर कलर देखने को मिलती है। एनएस 160 में भी आपको इबोनी ब्लैक, पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर जो आपके सामने है, उसके साथ साथ कॉकटेल वाइन रेड एंड पीटर ग्रे कलर आपको एनएस 160 में भी देखने को मिलती है। सेम टू सेम कलर आपको एनएस 200 में भी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों बाइक का जो कलर स्कीम है एकदम सेम है, बट एनएस 125 का जो कलर है टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। प्राइस में कितना अंतर है, तो एनएस 125 का प्राइस पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 1,29,000 के आसपास एनएस 125 का प्राइस है। एनएस 160 की प्राइस की अगर बात करें तो 1,77,000 के आसपास एनएस 160 की प्राइस है, और जो एनएस 200 है इसका प्राइस है अराउंड 1,90,000 के आसपास एनएस 200 का आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अभी इतना प्राइस में डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं एनएस 125 से। तो एनएस 125 का जो आप हेडलाइट देख पा रहे हो, इसमें आपको ऑल रिफ्लेक्टेड एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया है विथ एलईडी डीआरएल के साथ, बल्ब ब्लिंकर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सेम टू सेम आपको एनएस 160 में भी सेम हेडलाइट देखने को मिलती है, इनफैक्ट एनएस 200 में भी आपको सेम हेडलाइट देखने को मिलती है, बट यहाँ पे ग्लिच है। एनएस 125 का ये जो आप लाइट देख पा रहे हो इसका ब्राइटनेस एनएस 200 या फिर एनएस 160 से काफ़ी गुना कम है। तो एक चीज़ मैं आपको इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, शायद इसमें फ्यूल है, हाँ फ्यूल तो है। ओके ये रही एनएस 125 की हेडलाइट। ओके एक बार इसका हाई बीम को भी जो है मैं ऑन करता हूँ, सामने से आपको कितना ज़्यादा दिखेगा ये पता नहीं। और एक बार मैं आपको एनएस 160 का भी हेडलाइट ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। ओके ये है इसकी लो बीम, शायद आपको थोड़ा सा कैमरा में दिखेगा। तो दोनों का हेडलाइट सेटअप जो है आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। एनएस 125 का जो एक्चुअली आपको उतना ज़्यादा कैमरा से तो नहीं दिखेगा, बट प्रैक्टिकली आप अगर रोड पे निकल के देखोगे दोनों बाइक को साइड बाई साइड, तो आपको थोड़ा सा जो है पता चलेगा कि एनएस 125 का जो हेडलाइट है ये थोड़ा सा कम ब्राइटनेस के साथ आती है, बट एनएस 160 और जो एनएस 200 का हेडलाइट है एकदम सिमिलर है। इन दोनों बाइक का जो हेडलाइट सेटअप है, मतलब इन दोनों बाइक का हेडलाइट का जो ब्राइटनेस है वो आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। बल्ब ब्लिंकर्स आपको एनएस 125 में देखने को मिलेगा, बट एनएस 160 में आपको फुल्ली एलईडी आपको ब्लिंकर्स दिया गया है। इनफैक्ट एनएस 200 में भी आपको फुल्ली एलईडी ब्लिंकर्स देखने को मिलेगा। एंड इसको एक बार मैं ऑन करता हूँ, ये आप देख पा रहे हो एलईडी ब्लिंकर्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एनएस 200 को जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो एनएस 200 का, तो इसका डीआरएल आपको जलता हुआ देखने को मिलेगा, बट एनएस 160 और एनएस 125 में इसका डीआरएल आपको अगर ऑन करना है तो पहले बाइक को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसका डीआरएल ऑन होगा। और एनएस 200 और एनएस 160 में आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है इसका मेन हेडलाइट को ऑन करने के लिए।
इस स्विच को अगर आप ऑन कर दो तभी जाके जो है दिन के टाइम पे भी इसका मेन हेडलाइट आप ऑन कर सकते हो। सेम टू सेम आपको NS 160 में भी ये स्विच देखने को मिलेगा, बट आप अगर NS 125 को देखोगे तो जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो उसका मेन हेडलाइट जो है जलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको कोई भी अलग से लाइक मेन हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच देखने को नहीं मिलती है। ओके, और क्या क्या डिफरेंसेस है हेडलाइट के बारे में मैं आपको बता दिया। बाकी सामने का जो ये मीटर सील देख पा रहे हो, ये जो है आपको तीनों बाइक में एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा, और ग्राफिक में भी जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा विजर में। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंट का जो फेंडर है ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा नैरो आपको दिखेगा। 160 और 200 का जो फेंडर है एकदम सिमिलर है, और NS 125 में आपको फ्रंट में मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बट NS 160 और जो NS 200 है दोनों में आपको अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोनों का जो डायमीटर है एकदम सेम है, शायद 35 mm के आसपास जो इसका अपसाइड डाउन फोक आपको दोनों बाइक में देखने को मिलती है 160 और 200 में। USD दिया गया है, 125 में आपको टेलीस्कोपिक मिलती है। डुअल चैनल ABS आपको NS 160 और NS 200 में देखने को मिलेगा, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलेगा। NS 125 में आपको कोई भी ABS देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिंपल सा 240 सेक्शन का पेटल डिस्क दिया गया है एंड्योरेंस की कैलिपर के साथ, और NS 160 और NS 200 में आपको 300 mm की नॉर्मल डिस्क मिलती है विथ ग्रेमिका कैलिपर के साथ, डुअल चैनल ABS देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो रिम का डिज़ाइन है वो सेम है आपका तीनों बाइक में, बट डेफिनेटली NS 125 का जो रिम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो ये साइड वाला जो मेकानिज्म है ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और बाकी ये जो NS 160 और NS 200 का जो रिम है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, एंड उसके साथ साथ क्योंकि इसमें आपको मिलती है पतला टायर जिसके वजह से इसका जो रिम का विडनेस है वो भी थोड़ा सा पतला है। और इसमें 160 और NS 200 में इसमें आपको मिलती है 100x80/17 का ट्यूबलेस टायर, बट जो NS 125 है इसमें आपको मिलती है 80x100/17 का ट्यूबलेस टायर, एंड उसके साथ साथ फ्रेम जो है सिमिलर है। तीनों में आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलती है, तीनों का जो फ्रेम है तीनों का जो डिज़ाइन है वो एकदम सेम है। बाकी जो सस्पेंशन सेटअप इंजन वगैरह है वो आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, इन डेप्थ कंपैरिजन ये होने वाला है, तो A to Z डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के दौरान पता चलेगा। 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको तीनों बाइक में देखने को मिलेगा, तीनों बाइक जो है 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है, बट NS 200 का जो माइलेज है अराउंड 35 के आसपास जो है NS 200 का माइलेज देखने को मिलेगा। NS 160 से आपको 40-45 KMPL का माइलेज जो इजीली देखने को मिल जाएगी, एंड आप अगर NS 125 की बात पूछोगे तो 50-55 KMPL का माइलेज आपको NS 125 से इजीली मिल जाएगी। कंपनी फिटेड टैंक पैड आपको तीनों बाइक में देखने को मिलेगा, बट NS 160 और जो NS 200 का जो ग्राफिक है जो लिवरी है वो आपको एकदम सेम देखने को मिलेगा, बट NS 125 का जो ग्राफिक है वो टोटली डिफरेंट है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीनों बाइक की इंजन के बारे में। तो ये जो आप NS 125 देख पा रहे हो इसमें आपको मिलती है 124.45 cc सिंगल सिलेंडर 4-valve एयर कूल्ड SOSC इंजन, एंड इसमें आपको मिलती है 12 PS की मैक्स पावर और 11 Nm की मैक्स टॉर्क। इसमें DTSI टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती है, किक स्टार्ट देखने को मिलती है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, और ये आपका प्लेन एयर कूल्ड इंजन है। ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हो ये एकदम डमी डिज़ाइन है जस्ट फॉर लुक्स, एंड फाइबर का इंजन बेली पैन आपको नीचे में NS 125 में देखने को मिलेगा। NS 160 की अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 160.3 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4-valve इंजन, जिसमें आपको मिलती है 17.2 PS की मैक्स पावर और 14.6 Nm की मैक्स टॉर्क, बट इसमें आपको DTSI टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, ट्विन स्पार्क प्लग इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी किक स्टार्ट दिया गया है। ये था आपका एयर कूल्ड इंजन NS 160 जो है आपका ऑयल कूल इंजन के साथ आती है। अभी बात करते हैं सबसे बड़ा किंग NS 200 के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं 199.5 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-valve इंजन, उसके साथ साथ इसमें आपको मिलती है ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी, DTSI ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, एंड लिक्विड कूल इंजन है तो सामने में इसका रेडिएटर आपको दिख रहा होगा। पावर फिगर की अगर बात करें तो 24.5 PS की मैक्स पावर मिलती है,
और 18.74 NM की मैक्स टॉर्क इसमें मिलती है। और NS200 में आपको मिलती है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसके थ्रू आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर सकते हो, जो आपको दूसरा NS160 या फिर NS125 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं देखने को मिलती है। ये आपका 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, ये आपका 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, ये भी आपका 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है। NS200 में आपको कोई भी किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा, एंड उसके साथ साथ क्रैश गार्ड जो है आपको तीनों बाइक में देखने को मिलेगा। एंड तीनों बाइक का जो क्रैश गार्ड का डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तीनों में आपको नीचे में इंजन बेली पैन दिया गया है। तीनों बाइक में आपको मिडिल स्टैंड देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, NS200 में भी आपको नीचे में मिडिल स्टैंड देखने को मिलेगा। अभी एक एक करके मैं आपको तीनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ, क्योंकि तीनों में आपको मिलती है अंडरवेली एग्जॉस्ट। तो NS का अंडरवेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, NS160 का अंडरवेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, NS200 का अंडरवेली एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं NS125 को। ओके, तो पहले जो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, अगर फ्यूल कम भी होगा तो स्टार्ट हो जाएगा इजीली। ओके, अभी स्टार्ट करते NS160 को, इसको भी जो है थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ओके, अभी स्टार्ट करते एक बार NS200 को, इसको भी जो है थोड़ा सा लाइक सीधा कर लेते हैं, एंड स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। ओहो हो हो, NS200 का जो साउंड है ना, मतलब कान को जो है सुकून मिलता है इसका साउंड सुन के। बहुत ही स्पोर्टी बाइक है, बहुत ही स्पोर्टी साउंड भी है इसका। ओके, तो तीनों बाइक के एग्जॉस्ट नोट के अंदर कौन सी बाइक की एग्जॉस्ट नोट आपको अच्छा लगा, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। तीनों बाइक में आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलती है। तीनों बाइक का जो सीट है, सीट कंफर्ट है या फिर जो सीट आप देख पा रहे हो, तीनों बाइक का एकदम सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। NS125 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये है आपका 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। तो NS125 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सबसे ज़्यादा है पूरा NS सेगमेंट से। NS160 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, तो 9 mm कम है NS125 से। और NS200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 168 mm। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तीनों बाइक की सीट हाइट के बारे में। तो NS125 का जो सीट हाइट है अराउंड 805 mm, सेम NS160 में भी आपको 805 से 807 mm के आसपास सीट हाइट देखने को मिलेगा। और सेम टू सेम जो है आपको NS200 में भी 805 से 807 mm के आसपास सीट हाइट देखने को मिलेगा। तो आपका हाइट अगर अराउंड 5'7" भी है तो तीनों बाइक को जो है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इजीली चला पाओगे। बाकी आपको कौन इन तीनों बाइक के अंदर कौन सी बाइक खरीदना है, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते तीनों बाइक की वेट के बारे में। तो ये जो आप NS125 देख पा रहे हो, इसकी वेट है 144 kg। NS160 का जो वेट है वो है 152 kg, और जो NS200 है इसकी वेट है 158 kg। तो ज़्यादा जो है वेट डिफरेंस आपको 160 से 200 के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ओनली 6 kg के अंदर वेट डिफरेंस देखने को मिलेगा 160 से 200 के साथ। बट जो NS125 है ये थोड़ा सा हैवी है, लाइक सेगमेंट वाइज तो डेफिनेटली हैवी है, बट बिकॉज ऑफ पेरीमीटर फ्रेम एंड पूरा जो NS160 या फिर 200 की तरफ इस बाइक को बनाया गया है, जिसके वजह से इसका जो वेट है थोड़ा सा आपको ज़्यादा महसूस होगा। बट हाईवे में इसका स्टेबिलिटी भी दूसरा 125 से कहीं गुना बेहतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो फ्रेम है, इसका जो डिज़ाइन है पूरा एक बड़ा 200 cc के ऊपर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते तीनों बाइक की रियर टायर और रियर ब्रेक सिस्टम के बारे में। तो NS125 में आपको रियर में मिलती है 100x90 17 का ट्यूबलेस टायर, एंड इसमें आपको अर्दी आर में ड्रम ब्रेक दिया गया 130 mm की। NS
200 और NS 160 में आपको सेम मर दिया है, टैप प्रोफाइल मिलती है और सेम ब्रेक सिस्टम मिलती है। इसमें आपको मिलती है NS 160 में मिलती है 130/70, सेम NS 200 में भी आपको 130/70 नहीं टायर मिलती है, 230 mm की डिस्क आपको ग्रेमिका कैलिपर के साथ इन NS 160 और NS 200 में देखने को मिलती है। दोनों बाइक में, एक्चुअली तीनों बाइक में आपको पीछे में नाइट्रोक्स मोनोशॉक दिया गया है जो आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। तो सेम सस्पेंशन सेटअप जो है आपको इन तीनों बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड टायर हगर आपको दिया गया है तीनों बाइक में, इसका जो टायर हगर है थोड़ा सा पतला है NS 125 का, बाकी 160 और 200 का जो टायर हगर है एकदम सिमिलर है। पीछे का जो टेल टाइडी है ये आपका NS 160 और NS 200 में एकदम सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको नया टेल टाइडी दिया गया है। पीछे में आपको दिख रहा होगा LED ब्लिंकर्स के साथ यहाँ पे नंबर प्लेट का लाइट चेंज हो चुकी है। एंड NS 125 में आपको पुराना वाला NS में जो टेल टाइडी मिलता था वही टेल टाइडी यहाँ पे दिया गया, बट इसका जो ब्लिंकर्स है बल्ब में है। एंड टेल लाइट जो है तीनों NS में आपको एकदम सेम देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो आपका RDR काउल है या फिर जो हरिया ग्रैबरेल है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तीनों बाइक का जो व्हील बेस है, व्हील बेस टोटली डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि NS 125 का व्हील बेस है 1353 mm, NS 160 का जो व्हील बेस है 1372 mm, एंड NS 200 का जो व्हील बेस है वो है 1363 mm। तो ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको व्हील बेस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी हैंडलिंग वगैरह जो है तीनों बाइक का ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। अभी मेन बात करते हैं तीनों बाइक की मीटर कंसोल के बारे में। तो NS 160 और जो NS 200 है इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन विथ यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये मीटर कंसोल देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड उसके साथ साथ इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन, मिस्ड कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, सब कुछ जो है आपको NS 160 और NS 200 के मीटर कंसोल में सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो मीटर कंसोल है एकदम सेम है। एंड यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट जो है आपको तीनों NS में दिया गया है। एक बार NS 160 का भी मीटर कंसोल में आपको दिखाते रहो, इसमें भी सेम और टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला मीटर कंसोल ही यहाँ पे दिया गया है। तो सेम मीटर कंसोल जो है आपको 200 और 160 में देखने को मिलती है, बट जो NS 160 है इसमें आपको लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलता है, बट टर्न बाई टर्न जो नेविगेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं शो करेगा। आप अगर इंटरकॉम के थ्रू इसको कनेक्ट करोगे, हेलमेट ब्लूटूथ के थ्रू अगर इसको कनेक्ट करोगे, देन आपको वॉइस कमांड के थ्रू आपका हेलमेट के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, बट मीटर कंसोल में आपको कोई भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कोई अगर कॉल कर रहा है, कोई बंदा कौन कॉल कर रहा है उनका डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मिस्ड कॉल अलर्ट का भी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बस वो जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन है वो आपको इस पोर्शन में नहीं देखने को मिलेगा, जो आपको NS 160 और NS 200 में देखने को मिलती है। बाकी इसमें भी आपको यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एंड यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार आपको तीनों NS में देखने को मिलती है। तीनों NS का जो हैंडल बार है एकदम सेम है। स्विच कंसोल की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच दिया गया है NS 125 में, कोई भी डेडिकेटेड आपको लाइक इसका मेन हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं मिलती है। और इन तीनों मॉडल में आपको यहाँ पे एक अलग से M स्विच दिया गया है, जिसके थ्रू आप जो है इन लाइक इसमें अगर कॉल वगैरह आती है तो इससे जो है आप पिक वगैरह कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे बाकी इंडिकेटर का सिग्नल, हॉर्न और इधर आपका डीपर स्विच एंड हाई बीम का स्विच यहाँ पे दिया गया है। और क्लच जो है NS 125 का मीडियम सॉफ्ट है, NS 160 में आपको अलग से एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है मेन हेडलाइट को ऑन करने के लिए। बाकी यहाँ पे मिलती है इंजन किल स्विच, इधर आपका सेल्फ स्विच, एंड इसमें भी सेम आपको एम स्विच दिया गया है जिससे आप कॉल वगैरह जो है पिक कर सकते हो। इसका भी हॉर्न आपको मैं सुना दिया, इसका भी क्लच जो है मीडियम सॉफ्ट यहाँ पे दिया गया है। एंड तीनों बाइक में जो है आपको मेटल का बार साइड के साइड में हैंडल बार में आपको देखने को मिलेगा, बट NS 200 में आपको मिलती है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसके वजह से इसका जो क्लच है बहुत ज़्यादा लाइट है। इसमें भी आपको मेन हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, यहाँ पे जो है आप कॉल वगैरह पिक कर सकते हो इससे, एंड हाई बीम एंड डीपर का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वही क्लिप ऑन हैंडल बार एंड मिरर वगैरह जो है इसमें आपको सेम देखने को मिलती है, और सेम मीटर कंसोल है, बट जो टेल लाइट्स वगैरह है वो आपको थोड़ा सा जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा। साइज 10 विथ साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर आपको तीनों बाइक में मिलती है। तीनों बाइक में आपको
टो शिफ्टर देखने को मिलती है। और तीनों बाइक जो है ओपन चेन के साथ आती है। चेन डेफिनेटली डिफरेंट है, स्पॉकेट डेफिनेटली डिफरेंट है तीनों बाइक का, क्योंकि तीनों बाइक का पावर एंड इंजन टोटल डिफरेंट है। साड़ी गार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन एस 200 में आपको स्टॉक लाइक लेडीज फुटवेयर नहीं देखने को मिलती है, बट इन एस 200 का जो स्विंग आर्म है ये दूसरा बाइक से लाइक 160 और 125 से काफ़ी कई गुना चौड़ा है, कई गुना मोटा है। एंड इन एस 160 और इन एस 125 में आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगी, एंड कंपनी फिटेड आपको लेडीज फुटवेयर देखने को मिल जाएगी। कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड आपको इन एस 200 में भी देखने को मिलते हैं, बट लेडीज फुटवेयर जो है आपको 125 और 160 में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे वही आपका टो शिफ्टर यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ साथ मिडिल स्टैंड फुल्ली ओपन चेन, सेम आपको ओपन चेन इन एस 125 में भी देखने को मिलेगा। इधर साड़ी गार्ड और लेडीज फुटवेयर दिख रहा होगा, उसके साथ साथ जो है टो शिफ्टर यहाँ पे दिया गया है। मिडिल स्टैंड एंड साइड स्टैंड तीनों बाइक में जो है आपको देखने को मिलेगा, और तीनों बाइक का जो स्विंग आर्म है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो, तीनों बाइक का जो स्विंग आर्म है टोटली डिफरेंट है। तीनों बाइक का जो ये रियर ब्रेक लीवर है ये टोटली डिफरेंट है। इन एस 160 और इन एस 200 का जो ये रियर ब्रेक लीवर वो आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड तो मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो है हेडलाइट सेटअप। देख के तो आपको सेम लग रहा है, बट तीनों का जो हेडलाइट ब्राइटनेस है वो डिफरेंट है। 160 और 200 का सेम है, 125 का हेडलाइट ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। सस्पेंशन सेटअप टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा 125 का। एंड इंजन तो टोटली तीनों बाइक का डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, टायर प्रोफाइल वगैरह डिफरेंट है, एंड ब्रेक सिस्टम वगैरह जो है तीनों बाइक का टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से प्राइस भी जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। आपका अगर लाइक प्रायोरिटी है कि आपको लॉन्ग राइड वगैरह करना है तो डेफिनेटली गो फॉर इन एस 200। आपको अगर थोड़ा बहुत वीकेंड टूर एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिटी में चलाना है तो गो फॉर इन एस 160। और आपको अगर पूरा ही सिटी में चलाना है, आपको अगर तगड़ा माइलेज चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर इन एस 125। तो आई होप आपको आज का ये डिटेल कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। बाकी आपको अगर इन तीनों बाइक के अंदर कोई भी लाइक कंफ्यूजन है, कोई भी और कंफ्यूजन है और कुछ अगर आपको जानना है तो आप जरूर से ज़रूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपका सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 1,29,000 के आसपास अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस, 1,27,000 के आसपास अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस, 1,90,000 के आसपास अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस है। बाकी आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।